choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवेंजर्स। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा एक बहुत ही गुस्सैल कॉस्मिक फोर्स द फिनिक्स अर्थ पे अपने अगले होस्ट को ढूंढने के लिए पहुंच चुकी है। जब अवेंजर्स फिनिक्स फोर्स के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे तभी उनके ऊपर अटलांटियन वॉरियर्स और उनके लीडर द नमोर का हमला हुआ जो कि खुद फिनिक्स फोर्स की पावर को हासिल करना चाहता है। इसी लड़ाई के बीच कई सारे अवेंजर्स नमोर और बाकी काफी सारे लोग फिनिक्स फोर्स के द्वारा एक सफेद कमरे में टेलीपोर्ट कर दिए गए। अब इन चुने हुए चैंपियंस को फिनिक्स फोर्स की कुछ पावर्स दी जाती हैं और इसके बाद एक दूसरे से लड़वाया जा रहा है ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि फिनिक्स फोर्स का अगला होस्ट कौन होगा। ब्लैक पैंथर बाओबाब के एक पेड़ के पास बैठा सोच रहा है। स्टीव रोजर्स अपने एनवायरमेंट के आसपास मुक्केबाजी की तैयारी कर रहा होगा। थोर अपनी चिंता को छुपाने के लिए हंस रहा होगा जबकि कैरोल अपनी हंसी को छुपाने के लिए चिंतित होगी। टोनी स्टार्क अपने ही ईगो में डूबा हुआ होगा। हम सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। लड़ाई से पहले के कुछ पलों में मैं अपने आप को खाली करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरे अंदर सिर्फ वही चीजें रह सकें जो जरूरी हैं। हर किसी को एक भावना के साथ लड़ना चाहिए लेकिन भावनाओं में बहकर नहीं लड़ना चाहिए। मैं अपने आप को जालिया से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ वो स्पिरिचुअल प्लेन जहाँ आज तक पैदा हुए सारे पैंथर किंग्स और क्वींस की परछाइयाँ चलती हैं, जो मुझसे पहले इस सिंहासन पे बैठ चुके हैं वकांडा के सिंहासन पे। लेकिन जालिया से मेरा कनेक्शन टूट चुका है। यही नहीं पूरे वर्ल्ड के साथ मेरा कनेक्शन टूट चुका है। मुझे यहाँ पे लाया गया मेरे घर के ठीक सामने फिर भी मैं उससे कितना दूर महसूस कर रहा हूँ। ये बात मुझे ये याद दिला रही है कि मैं पूरी तरीके से फिनिक्स का कैदी हूँ। यहाँ तक कि मेरा दिमाग भी मेरा खुद का नहीं है। मैं फिनिक्स के नुकीले नाखूनों को अपनी सोच के ऊपर कब्जा करता हुआ फील कर सकता हूँ जो मेरे दिमाग में कह रही है मैं जीती जागती कॉस्मिक वाइल्ड फायर हूँ जबकि तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी बॉडी मेरी आग को भड़काने के लिए लकड़ियों के समान है और इस जगह पे तुम उस आग को भड़कने से नहीं रोक सकते। तभी वो बड़ा सा पेड़ मैंथिंग में कन्वर्ट हो जाता है। वो फिनिक्स फोर्स की पावर से लबालब ब्लैक पैंथर की तरफ बढ़ने लगता है। ये फिनिक्स मुझे ये भी याद दिलाती है कि मैंथिंग के छूने पे हर वो चीज जलती है जिसके अंदर डर होता है। बहुत सारे लोगों ने इतने सालों से वकांडा को आग भड़काने वाली लकड़ियां समझा है। आज उन सब की हड्डियां इसी पेड़ के नीचे दफन है। रात का आसमान कभी सूरज से नहीं डरता क्योंकि अंधकार अनंत है। मैं इस लड़ाई में लड़ने के लिए नहीं आना चाहता था लेकिन द ब्लैक पैंथर इस वर्ल्ड की कुछ सबसे पुरानी ताकतों में से एक है लेकिन फिनिक्स फोर्स भी उतनी ही पुरानी है। हमारे अंदर बस इतना ही अंतर है कि हम कभी प्लैनेट अर्थ को छोड़कर नहीं गए। हम पैंथर्स ने इस जमीन को इतने लंबे सालों से अपने खून से सींचा है। फिनिक्स फोर्स एक चमकता हुआ सूरज हो सकती है लेकिन हम रात का अनंत समुद्र है। मैं यहाँ पे तुम्हें रोकने के लिए नहीं आया हूँ फिनिक्स गैजो मैंथिंग से कहता है। नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज के गार्डियन मैं तुम्हें एक दयालु बींग के तौर पर जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि ये फिनिक्स फोर्स तुम्हारे दिमाग को इन्फेक्ट कर रही है। मैं भी तुम्हारी ही संतान का एक दोस्त हूँ। मैं यहाँ जीतने आया हूँ। काश कि तुम दोनों मुझे माफ कर सको। काश कि ये बाओबाब का पेड़ भी मुझे माफ कर सके। सुबह के अंदर तुम्हारा स्वागत है। गैस वो इस पेड़ को जला देता है। फिर वापस से वो व्हाइट रूम के अंदर आ पहुँचा। लुकेज पूछता है और उस दूसरे आदमी का क्या हुआ। ब्लैक पैंथर ने कहा वो फिर से ग्रो हो जाएगा। कैप्टन अमेरिका ने पूछा क्या तुम दोनों के साथ भी वही हुआ जो कि मेरे और डॉक्टर डोम के साथ हुआ था। क्या तुम दोनों को भी फिनिक्स फोर्स की कुछ पावर्स का हिस्सा मिला। ब्लैक पैंथर ने कहा हाँ मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट हुई लेकिन फिर डर भी लगा। जेनिफर वॉटर्स कहती है जब तुम यहाँ पे नहीं थे हम में से कुछ लोगों ने इस सफेद कमरे की छानबीन करने की कोशिश की। हम जहाँ कहीं भी गए ऊपर नीचे राइट लेफ्ट हम घूम फिर के वापस यहीं आ पहुँचे। मूनगल कहती है मुझे लगता है कि एक अजीब तरीके का डायमेंशनल स्पेस है। ये हमें यहाँ पर तब तक कैद करने के लिए बनाया गया है जब तक हमारी लड़ाई का नतीजा नहीं निकल जाता। ब्लैक नाइट ने कहा देखो मैं कोई साधु तो नहीं हूँ लेकिन मैं किसी 9 साल की मून गर्ल के साथ नहीं लड़ने वाला। यहाँ तक कि उसके खुद के डायनासोर के साथ भी नहीं। हम यहाँ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। इको कहती है एक बात ध्यान रखो हो सकता है कि फिनिक्स वर्स हमारी ये सब बातें सुन रही हो या फिर वो हमारी सोच को भी पढ़ सकती है। गाइस इको एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी पावर्स टास्क मास्टर जैसी है। जिन फोस्टर ने कहा इको सही कह रही है हम फिनिक्स के अंदर हैं। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ जब मैं एक थोर थी तब मेरा फिनिक्स फोर्स के साथ सामना हुआ था। जेनिफर वॉल्टर्स पूछती है ओह तो वो तुम थी।
क्या मैं पागल हूँ या फिर उस टाइम तुमने मेरा थोपड़ा बिगाड़ा था? ब्लूरी ने कहा। इसका नाम है व्हाइट हॉट रूम और हमें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ वही लोग होते हैं जो फिनिक्स फोर्स की पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर तुम में से कोई भी ऐसा करना चाहता है तो मैं कहना चाहूँगा कि मुझे अपने क्लोज निकाल लेने चाहिए, कैप्टन ने कहा। धमकी मत दो, हमें से कोई भी यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आया, मुनगल कहती है। और मैं तो सच में चौथी क्लास में हूँ, तभी लोगों ने इशारा किया। तुम गलत कह रहे हो कैप्टन, यहाँ पे एक आदमी अपनी मर्जी से आया है, गैजी है नमोर। अब तक इसके सब्र का बांध टूट चुका था, बहुत वेट कर लिया मैंने। आखिर वो कौन होगा? मुझे बताओ मुझे किसको मारना है और ऐसा कर दिया जाएगा। आखिर नमोर के हाथों कौन पहले मारा जाने वाला है? मूनगल कहती है। अटलांटिस के स्कूल में किसी ने तुम्हें अच्छे से बिहेव करना नहीं सिखाया क्या? लोगों ने कहा। ये डरा हुआ है, उतावला है, मैं स्मेल कर सकता हूँ, जिस पे शी हल्क बोली। जानते हो कि हमें से कोई भी यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आया, लेकिन जैसा मुझे दिखाई दे रहा है हमें सबसे पहले यह पक्का करना चाहिए कि नमोर कभी फिनिक्स ना बन पाए, जिस पे कैप्टन ने कहा। तुम उसके जाल में मत फंसो। लेकिन तब तक जेनिफर शी हल्क में कन्वर्ट हो चुकी थी। वो नमोर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी फिनिक्स फोर्स ने उन दोनों को अलग कर दिया। ब्लैक नाइट ने कहा। मुझे लगता है कि फिनिक्स हमें यही बताने की कोशिश कर रही है कि हमें उसी के साथ लड़ना चाहिए जिसके साथ वो हमें लड़वाना चाहती है। तभी ल्यूक केज को फिनिक्स फोर्स की पावर्स मिलने लगी। ओह हेल, वो कहने लगा, आखिर उसने आयरन फिस्ट को क्यों नहीं चुना? मैं खेल नहीं खेलना चाहता। लेकिन अगले ही पल ल्यूक केज कुनलुन के जादुई शहर के पास पहुंच चुका था। हाँ मुझे मजा आ रहा है, लेकिन मैं ये पावर नहीं चाहता। तभी वहाँ पे अमेरिकन ईगल आया, कहा, अच्छा वेल मैं चाहता हूँ। उसने ल्यूक केज को एक जोरदार पंच मारा। गाइस अमेरिकन ईगल एक आदिवासी है, इसकी पावर्स कैप्टन अमेरिका जैसी हैं। वहीं ब्लैक पैंथर पीछे से स्टोरी बता रहा है। फिनिक्स फोर्स ये नहीं देख रही कि हम कितने बहादुर हैं, बल्कि ये देख रही है कि हमारे अंदर कितना पैशन है, कितना मनोबल है। अमेरिकन ईगल नोवायो नेशन का एक बहुत बेहतरीन सदस्य है, वो इस पावर को अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ भी करेगा। ल्यूक केज के बुलेट प्रूफ चेहरे के ऊपर पंच करने की वजह से उसके हाथ की तीन उंगलियां टूट चुकी हैं, फिर भी वो ल्यूक केज को दोबारा पंच करता है और फिर करता है। मून के ब्लू एरिया के ऊपर शाना द शी डेविल, सैवेज लैंड की रानी, उसने काफी सारे डरावने क्रिएचर्स को डराया है, लेकिन वो कभी एक बच्चे के साथ नहीं लड़ेगी। लेकिन जहाँ तक उसके डायनासोर की बात है, कुछ कहा नहीं जा सकता। वही अर्थ के नीचे दौर मौजूद है, जिसके पास वाचर की एक आंख है। अब जब उसकी ये पावर्स फिनिक्स फोर्स के साथ मिल चुकी है और हर उस एक को देख पा रहा है जो इस टाइम पे मर रहा है इस पूरी गैलेक्सी के अंदर, वो वल्करी से कहता है, शायद तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं हंस रहा हूँ। वल्करी ने कहा, मैं पहले भी मर चुकी हूँ, मैं हर दिन मरे हुए लोगों को उनकी अंतिम यात्रा करवाती हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिला सकती हूँ कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम वो सब नहीं देख पाओगे, लेकिन तुम्हें ये जरूर दिखाई देगा। गाइस वो ऑर्ब के ऊपर एक पावरफुल अटैक करती है। जेन फोस्टर ने बहुत सारी पुरानी ताकतों का इस्तेमाल करने की अपनी काबिलियत दिखाई है, जैसे कि गोडेस ऑफ थंडर और अब एक वल्करी। लेकिन फिनिक्स फोर्स एक ऐसा हथियार नहीं है जिसका यूज करके इसे साइड कर दिया जाए। फिनिक्स की महान ताकत के साथ इसके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। इधर वुंडकोर माउंटेन के ऊपर, इस माउंटेन के बारे में आपको स्पाइडर वुमन से जानने को मिलेगा। यहाँ आइपेरियन फिनिक्स पावर्स के साथ पहुंच चुका है। इतनी शानदार ताकत, शायद इसलिए मैं यहाँ पे आया था। स्क्वाड्रन सुप्रीम के सबसे ताकतवर मेंबर के पास ही ऐसे पावर्स होनी चाहिए। हार मान लो नीच इंसान, तुम हाइपेरियन को इससे पहले भी नहीं हरा सकते थे और अब तो सवाल ही नहीं उठता। मैं अपनी सुपर सेंसेस को अनंत होता हुआ फील कर सकता हूँ, मैं ब्रह्मांड को अपनी रगों में बहता हुआ फील कर सकता हूँ, इतनी भाषाएं सुन सकता हूँ जितना गिन नहीं सकता, मुझे इतनी प्रजातियां पता है जितने की तारे हैं, मैं सभी को हंसता हुआ रोता हुआ एक दूसरे से बात करता हुआ सुन सकता हूँ। इस पूरे यूनिवर्स के अंदर लाइफ भरी हुई है। लेकिन तभी एकदम से हाइपेरियन के साथ कुछ अजीब होने लगता है। ये मुझे बदल देगा, मेरे दिमाग को इस तरीके से खोल देगा जैसे मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं ऐसा नहीं बन सकता, मैं इतने खुले दिमाग का नहीं होना चाहता, मैं हार मानता हूँ, प्लीज इस पावर को रोक दो। गैस इसका सामना सैंगची के साथ हो रहा है। सैंगची को बहुत सारी कलाएं अच्छी तरीके से आती हैं, जिनमें लड़े बिना लड़ने की कला भी शामिल है। आखिर वो फिनिक्स फोर्स के पावर्स का किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, वो क्या बन सकता है और उसे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। ग्रीनविच विलेज में डॉक्टर सेंज के किचन के अंदर रेड विडो का सामना हावर्ड द डक के साथ हो रहा है। रेड विडो ने कहा, ये क्या बद्दा मजाक है? हावर्ड द डक कहता है, ये कोई मजाक नहीं है, ये लड़ाई लंबे टाइम से रुकी हुई थी, अब तुम में से कोई भी गंजाम बूढ़े हावर्ड द डक के सामने नहीं हंसेगा। लेकिन तभी रेड विडो ने उसका कचूमर निकाल दिया। रेड विडो रशिया के रेड रूम का एक नतीजा है, जहाँ रशिया के सबसे खतरनाक हथियारों को पैदा किया जाता है।
जब इसे पहले दिन ट्रेनिंग पे लाया गया था तब उसे ये जानकर खुशी हुई कि उसे लाइफ में पहली बार सोने के लिए एक बिस्तर और खाने के लिए भरपूर खाना मिलेगा। इस मुस्कुराहट के लिए उसे कई हफ्तों तक पीटा और भूखा रखा गया। तब रेड विडो की उम्र सिर्फ 7 साल थी। हावर्ड द डक को हराने के बाद रेड विडो वापस व्हाइट हॉट रूम में पहुंच जाती है। तब लेडी फिनिक्स ब्लैक पैंथर के पास आई और वह सिर्फ ब्लैक पैंथर को ही दिखाई दे रही है। तुम ये सब खत्म कर सकते हो, ब्लैक पैंथर ने कहा। मैं करूंगा, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा तुम चाहती हो, लेडी फिनिक्स ने कहा। हाँ, और लोग कहते कि नमोर जिद्दी है। जिस पैंथर को मैं अपने टाइम पे जानती थी वो सिर्फ एक इंसान था जो कि चमकते हुए पत्थरों से लड़ा करता, लेकिन फिर भी जब वो गॉड्स की टीम में आया उसे ये यकीन था कि टाइम आने पर वो सारे गॉड्स को मार सकता है अगर उसे ऐसा करने की जरूरत पड़ी तो, ब्लैक पैंथर ने कहा। वकांडा अटलांटिस से भी पुराना है, फिर चाहे वो एक वाइब्रेनियम के पार्ट पे ही पैदा क्यों ना हुआ हो जिसके पीछे पूरी दुनिया लगी है। इतने सालों में तो तुम्हें जिद और सहन शक्ति के बीच अंतर समझ आ जाना चाहिए था। मैं इसे खत्म करूंगा, फिर चाहे मुझे इसकी क्या ही कीमत क्यों न चुकानी पड़े, या फिर तुम्हें, लेडी फिनिक्स कहती है। और मैं तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन करती हूँ, लेकिन मैं आने वाली चीजों के लिए कुछ नहीं कह सकती। मैं तो बस एक पुरानी चीज की सिर्फ एक होस्ट हूँ, एक ऐसा भूत जो अपने अनंत तोहफे का मजा ले रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे फिनिक्स फोर्स ने तुम्हारे लिए एक ऑफर के साथ भेजा है। वो तुम्हें चाहते है त'चाला, अपने आप को उसे सौंप दो और वो वकांडा का नाम तारों के अंदर लिख देगी। लेकिन अगर तुम उससे लड़ने की कोशिश करोगे तब वो वकांडा को राख बना डालेगी, ब्लैक पैंथर ने कहा। ये तो कोई ऑफर नहीं है, मैं उसे एक ऑफर देता हूँ। तुम पहले भी इस प्लांट की सुरक्षा के लिए लड़ चुकी हो, मुझे ये दिखाओ कि तुम ऐसा दोबारा कर सकती हो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन अगर तुम इसी तरीके से इस दुनिया के लोगों को जलाने की धमकी देती रही तब तुम्हें इतनी दया नहीं दिखाई जाएगी, तब तुम्हें दिखाया जाएगा कि एक पैंथर एक बाज के साथ कैसा बर्ताव करता है, लेडी फिनिक्स ने कहा। मैं तुम्हारी सहन शक्ति की दाद देती हूँ, लेकिन फिनिक्स फोर्स नहीं। तुम फिनिक्स फोर्स को उकसा सकते हो, पहले भी कई कोशिश कर चुके हैं लेकिन उन सभी के प्लैनेट राख बन गए। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि एक पैंथर एक बाज के साथ क्या करेगा जब वो बाज पैंथर की लाश खा रहा हो। तो गाइस, फिनिक्स फोर्स ब्लैक पैंथर को नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज में फिर से लड़ने के लिए भेज देती है, और अब की बार उसका सामना हो रहा है नाइट हॉक से। गाइस, नाइट हॉक एक पंछी होता है। इसके पास उड़ने की पावर्स के अलावा वो सब पावर्स हैं जो कि कैप्टन अमेरिका के पास हैं। वो कहता है, उसने तुम्हें फिर से लड़ने के लिए भेज दिया, लगता है कि तुमने उसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया, ब्लैक पैंथर कहता है। तुम्हारी स्क्वाड्रन सुप्रीम ऑफ अमेरिका जिस रास्ते पर चल रही है, आज नहीं तो कल हमारा मुकाबला होने ही वाला था, नाइट हॉक ने कहा। तुम और खेल नहीं खेल पाओगे, हम दोनों जानते हैं कि लड़ाई कई हफ्तों पहले शुरू हो चुकी थी, ब्लैक पैंथर कहता है। अच्छा तो तुम तब की बात कर रहे हो जब तुम्हें वकांडा के अंदर अमेरिकन एम्बेसडर के तौर पे भेजा गया, वो भी एक सीक्रेट आम इंसान काइल रिचमंड के तौर पे, नाइट हॉक कहते हैं। अगर तुम्हें इस बात का पता नहीं चलता तो मुझे बहुत बुरा लगता, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि मेरा लाइफ मॉडल डिकॉय वकांडा की सड़कों पे नए टैक्स लगा रहा है और मैंने उसे एक बहुत जिद्दी बनाकर ही प्रोग्राम किया है, ब्लैक पैंथर ने कहा। अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन सिस्टम खराब नहीं हो रहा होता तो तुम्हें पता चलता कि आज तुम्हारे उस लाइफ मॉडल डिकॉय की तबीयत खराब है। वकांडा के अंदर एक चौथी क्लास का बच्चा भी उस रोक्सून टेक्नोलॉजी को हैक कर सकता है। वकांडा के अंदर लंच के टाइम पे बच्चे यही सब करते हैं, नाइटो कहता है। वो हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने पहले ही तुम्हारे स्कूलों को साइबर टेररिज्म के सेंटर घोषित कर दिया है। तुम्हारे इस हमले के बाद मुझे पक्का पता है कि व्हाइट हाउस तुम्हारे पूरे देश को आतंकवादी घोषित कर देगा और मेरी स्क्वाड्रन सुप्रीम को तुम्हारे एम्पायर को हमेशा के लिए दबा करने के लिए भेजेगा, ब्लैक पैंथर ने कहा। क्या तुम जानते हो कि एक वाइब्रेनियम का पहाड़ तुम्हारे जैसे कितने लोगों को खरीद सकता है? जल्दी तुम्हें आने वाले बजट में पता चल जाएगा, 3 महीने के अंदर तुम्हारी स्क्वाड्रन सुप्रीम दिवालिया होने वाली है, नाइटो कहता है। तब तो मुझे लगता है कि हम दोनों का ही रास्ता रुक चुका है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से कोई एक ही जिंदा बचकर बाहर निकल पाएगा। तो गाइस, किसी को भी एक भावना के साथ लड़ना चाहिए, लेकिन भावनाओं में बहकर नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन ये फिनिक्स फोर्स हमारी भावनाओं को भट्टी में झोंक देती है, एक ऐसी भट्टी जो कि पूरी गैलेक्सी को जला डालेगी। मैं, ब्लैक पैंथर, अपने आप से कहता हूँ कि मैं फिनिक्स फोर्स को मजबूर कर सकता हूँ। मानता हूँ कि मैं वो आदिवासी पैंथर हूँ जो कि चमकते हुए पत्थरों से लड़ा करता हूँ, जो जरूरत पड़ने पर गॉड्स तक को मार सकता है। बदले में वो पंछी भी मेरे दिमाग में हंस रहा है। इसका काम बहुत आसान है, फिनिक्स फोर्स मुझे नहीं तोड़ना चाहता और ना ही उस किसी को भी जो कि फिनिक्स फोर्स के अंदर आया है, बल्कि फिनिक्स फोर्स हमें उतना मजबूर करना चाहता है जब तक हमारे अंदर गुस्से के सिवाय कुछ भी ना बचे।
और हम में से कुछ अपने अंदर गुस्से के अलावा बाकी सारी चीजों को काफी टाइम पहले ही छोड़ चुके हैं। एक वकांडन हेली कैरियर को अटलांटिन खाई के ऊपर समुद्र में आग लगी हुई दिखाई दी। आखिर समुद्र के नीचे हो क्या रहा है? माया लोपेज द इको गुस्से के बारे में जानती है। वो किसी के भी लड़ने के स्टाइल को कॉपी कर सकती है और ऐसे में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे यहाँ समुद्र के नीचे लड़ने की आदत नहीं है, खासकर एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जो पैदा ही समुद्र में हुआ है। नमोर के अंदर गुस्सा भरा हुआ है, ऐसे जैसे कि वो पानी के अंदर सांस लेना जानता है और वो मर्डर करना भी जानता है। इससे पहले कि ये लड़ाई खत्म होगी, माया लोपेज को दोनों दिखाई देंगे। गाइज, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करना मत भूलना।